नमस्कार दोस्तों, दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हमारे पास एक रियलमी का मोबाइल है, रियलमी 2 प्रो, और इसमें हमारा ये कॉम्बो हमारा डैमेज हो चुका है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप अपने रियलमी 2 प्रो का कॉम्बो कितनी आसानी से रिप्लेस कर सकते हो और किस प्रकार से आप भी उसको ओपन कर कर कोई भी प्रॉब्लम को आप इजीली दूर कर सकते हो। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, आज हमारे पास एक रियलमी का मोबाइल है, रियलमी प्रो 2, और इसमें हमारा कॉम्बो डैमेज है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप अपने रियलमी 2 प्रो का कॉम्बो किस प्रकार से रिप्लेस कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने डिवाइस को ऑफ़ कर लेना है, और हम इसको पावर ऑफ कर लेते हैं। ये हमने इसको पावर ऑफ कर लिया, ये देखिए। और पावर ऑफ करने के बाद में आपको अपना सिम ट्रे को रिमूव कर लेना है। हम इसका सिम ट्रे रिमूव कर लेते हैं, ये देखिए हमारा ये सिम ट्रे थोड़ा सा डैमेज है और हमने इसको रिमूव कर लिया। सिम ट्रे रिमूव करने के बाद में आपको ये बैक पैनल को आपको ये बिल्कुल से रिमूव करना है और ये बैक पैनल आपको खोलना है। तो इसके लिए हम SMD का इस्तेमाल करेंगे। SMD की सहायता से हम इसका बैक पैनल ओपन करेंगे और SMD को हम बिल्कुल इसको इस्तेमाल करेंगे ओपन करने में। और आपको बिल्कुल कॉर्नर में आपको ये SMD से हिट करना है ताकि आपका जो गम लगा हुआ है वो बिल्कुल लूज हो सके और आप अपना बैक पैनल को आप इजीली रिमूव कर सकें। तो ये आपको इस प्रकार से कॉर्नर में आपको इस्तेमाल करना है। ये देखिए हमने इसको हिट कर लिया बिल्कुल कॉर्नर में। अब हमें इस प्रकार से एक प्लास्टिक का कोई भी रैपर लेना है और हमें यहाँ पर फंसाकर हमें कहीं से भी इसको ओपन करने की कोशिश करनी है। कहीं पर भी हमें ये फंसा लेना है इस प्रकार से ओपन कर, और हम कोशिश करते हैं इसको फंसाने की। हम ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। ये देखिए इस प्रकार से आपको ये फंसा लेना है। इस प्रकार से ये फंसा कर आपको ये रैपर आपको इसके अंदर फंसा लेना है और ब्लेड को आपको निकाल देना है। यानी कि ये रैपर इस प्रकार से फंसा कर आपको फिर से आपको हिट करना है। ये करने के बाद में आपको इसको ओपन करना है चारों ओर। आपको धीरे 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 राउंडेड आपको घुमाना है। ये देखिए इस प्रकार से आपको घुमाना है, चारों ओर से आपको घुमा लेना है ये, ताकि आपका जो भी गम है वो निकल सके और आप अपना बैक पैनल ओपन कर सको। इस प्रकार से आपको बैक पैनल ओपन कर लेना है और ये आपको घुमाना है इस प्रकार से, ये देखिए। और आपको ये करने के बाद में ये देखिए इस प्रकार से हमारा ये बैक पैनल हमारा ओपन हो जाएगा और ये चारों ओर से हमारा ये जो गम लगा रहता है, और आप देख पा रहे हैं ये बैक पैनल की हमारी क्वालिटी बिल्कुल से, हम किसी प्रकार से इसको फोल्ड कर सकते हैं और बिल्कुल हमारा प्लास्टिक टाइप में हमारा ये है और बिल्कुल हमारा ये देखिए फोल्डेबल है। अच्छे तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी का है, बिल्कुल भी टूटने वाला नहीं है। यानी कि प्लास्टिक में हमारा ये मिरर नहीं है। तो ये हमने इसको ओपन कर लिया है। ये ओपन करने के बाद में हम एक मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे। मैग्नेट का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो भी स्क्रू लगाएं ओपन करें वो मैग्नेट के लगा सकें, ताकि हमारा कोई भी स्क्रू मिस ना हो। हमें 1 by 1 करके सारे स्क्रू ओपन करने हैं। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने सारे के सारे स्क्रू ओपन कर लिए। स्क्रू ओपन करने के बाद में हमें ये नेल्स की सहायता से हमारा जो ये बोन है, हमें ये इस प्रकार से बिल्कुल इसको अनलॉक करना है चारों ओर से, और आप इसको बिल्कुल से अनलॉक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें सावधानी पूर्वक करना है, चारों ओर से हमें ये बिल्कुल से इक्वल में हमें अनलॉक करना है।
और ये देखिए अनलॉक करने के बाद में हम इस प्रकार से हमारा ये बोन को हम रिमूव कर सकते हैं, जिसके ऊपर ये देखिए हमारा बिल्कुल से इस प्रकार से है, ये रिमूव हमने कर लिया। अब रिमूव करने के बाद में हमें हमारी बैटरी को हमें रिमूव करना है। तो बैटरी को रिमूव आप क्या करेंगे, आपका ये बैटरी का ये है सॉकेट, आपको इसको रिमूव कर लेना है। इसको रिमूव करने के बाद में आप बैटरी को इजीली निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आपको बैटरी निकालने के बाद ही आप अपने डिस्प्ले कनेक्टर को आप निकाल पाओगे। ये देखिए दोस्तों, हमें यहाँ से ये बैटरी को निकाल लेना है इस प्रकार से, और बैटरी को थोड़ा सा हमें ऊपर करना है। ये देखिए आप इस प्रकार से बैटरी को निकाल सकते हैं, और ये बैटरी हमारी बिल्कुल से निकल चुकी है, आप देख पा रहे हैं। बैटरी निकालने के बाद में हमें क्या करना है, हमें हमारा कॉम्बो को अनलॉक करना है। ये हमने कॉम्बो निकाल लिया, और अब हमें फ्रंट साइड से इसको हीट करना है ताकि हमारा कॉम्बो हम निकाल सकें। तो हमें ये फ्रंट साइड से हमें हीट करना है। ये देखिए दोस्तों, हीट करने के बाद में प्रोसेस हमारा सेम रहने वाला है। हमें यहाँ से थोड़ा सा गैप बनाकर, हमें बिल्कुल से ये कॉम्बो को निकालना है ताकि हमारा कॉम्बो हम इजीली निकाल सकें। हम इसके अंदर कुछ ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारा गैप हमारा बन जाए और हम इजी वे में हमारा कॉम्बो को निकाल सकें। ये देखिए हम यहाँ से इस प्रकार से कुछ चीज़ फंसाएंगे, हमारा रैपर इसके अंदर फंसाएंगे, वही प्लास्टिक का रैपर हमें फंसाना है इस प्रकार से, और फंसाने के बाद में हमें इस प्रकार से ये घुमाना है ताकि हमारा जो भी डिफेक्टिव कॉम्बो है हम निकाल सकें और हम इसके अंदर नया कॉम्बो हम इजीली लगा सकें। इस प्रकार से हमें इसके अंदर फंसा लेना है, इस प्रकार से हमें फंसा कर और हमारा ये घुमाना है ताकि जो हमारा कॉम्बो है वो हम निकाल सकें। ये देखिए आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से हीट करने के बाद में हमें ये राउंडेड राउंडेड घुमा लेना है हमारा। इस प्रकार से घुमा लेना, आपको खतरनाक तरीके से चिपकाया गया है। और ये देखिए हमारा ये डिफेक्टिव कॉम्बो हमारा निकल चुका है। इसके नीचे देखिए हमारा ये पेपर का भी इस्तेमाल किया गया है और हम निकाल चुके हैं हमारा डिफेक्टिव कॉम्बो। आप देख पा रहे हैं ये हमारा डिफेक्टिव कॉम्बो है और ये हमारा मदरबोर्ड है। अब हमें इसमें नया कॉम्बो लगाना है। तो नया कॉम्बो लगाने से पहले दोस्तों हमें क्या करना होगा, यहाँ से ये सारा का सारा गम हमें निकाल लेना है ताकि हम इसमें जो भी नया कॉम्बो लगाएँ वो हमारा इजीली चिपक सके और किसी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस हमारे सामने ना रहे। तो हमें ये इस प्रकार से गम पूरा का पूरा हमें निकाल लेना है। ये देखिए दोस्तों, हम इसको इस प्रकार से क्लीन करके बिल्कुल साफ़ कर लेंगे ताकि हम जो भी नया कॉम्बो लगाएं वो इजीली हमारा चिपक सके। और अब हम इसको पेस्ट करने के लिए हम इसमें T7000 का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम हमारे मोबाइल को बिल्कुल से कॉम्बो को फिक्स कर सकें। इसकी हेल्प से हम इसको फिक्स करेंगे। अब हमें ये T7000 इसके कॉर्नर में लगाना है ताकि हम इसके अंदर जो नया कॉम्बो लगा सकें वो प्रॉपर वे में हमारा फिक्स हो सके और कहीं पर भी हमें कोई भी लाइटिंग हमें नहीं देखने को मिले और प्रॉपर वे में हमारा कॉम्बो इसमें लग सके। तो आपको ये चारों ओर कॉर्नर में लगा लेनी है सॉल्यूशन को, T7000 को।
देखिए दोस्तों, हमें इस प्रकार से ये सॉल्यूशन लगाकर हमें रख लेना है और अब हम इसमें नया कॉम्बो लगाएंगे। ये देखिए, हम हमारे Realme 2 Pro का नया कॉम्बो लेंगे और हम इसमें ये नया कॉम्बो लगाएंगे। यहाँ से हम इसका ये उतार लेंगे स्ट्रिप का। और हम ये नया कॉम्बो इसके यहाँ से लगाएंगे और यहाँ से हमें ये कॉम्बो की स्ट्रिप यहाँ से निकाल लेनी है और फ्रंट में हमें बिल्कुल प्रॉपर वे में फिक्स करते हुए हमें इसके ऊपर बिल्कुल अलाइनमेंट सेट करते हुए हमें यहाँ पर इसको रख देना है और थोड़ा सा इस प्रकार से प्रेस कर देना है और उसके बाद में हमें ये स्ट्रिप को लगा देना है मदरबोर्ड के अंदर। स्ट्रिप लगाने के बाद में हमें हमारी बैटरी लेनी है। बैटरी हमें इसमें यहाँ पर लगा देनी है। हमें बैटरी कनेक्टर में लगा देनी है। उसके बाद में हमें हमारा ये फिंगरप्रिंट सेंसर लेना है। फिंगरप्रिंट सेंसर हमें यहाँ पर लगा देना है। फिंगरप्रिंट सेंसर लगाने के बाद में हमें हमारा बोन लेना है और हमारे बोन इसके अंदर हमें बिल्कुल प्रॉपर वे में फिट कर देना है। बहुत ही केयरफुली हमें सारा काम करना है, सावधानीपूर्वक। किसी प्रकार की हमें कोई भी जल्दबाजी इसमें नहीं करनी है। बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको सारा काम करना है। इस प्रकार से आपको ये बोन फिट कर देना है। सारे लॉक आपको बिल्कुल लॉक कर देने हैं प्रॉपर वे में। लॉक करने के बाद में आपको क्या करना है, जो भी स्क्रू आपने ओपन किए थे वो सारे के सारे स्क्रू आपको लगा देने हैं वन बाय वन करके, ताकि आपकी किसी प्रकार की कोई भी लूजिंग इसमें ना रहे। ये देखिए दोस्तों, हमें इस प्रकार से सारे के सारे स्क्रू इसमें लगा लेने हैं। अब हमें क्या करना है, हमारा जो बैक पैनल है इससे हमें जो भी हमारा गम है हमें ये गम इसको हटा लेना है। इसको हमें दोबारा से प्रॉपर वे में चिपकाना है तो हमें इसके लिए डबल साइडेड टेप का हम इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारा ये चिपक सके। देखिए दोस्तों, ये बैक पैनल को चिपकाने के लिए हम इसमें ये डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारा ये बैक पैनल हमारा प्रॉपर वे में चिपक सके और किसी प्रकार की कोई भी लूजिंग इसमें ना रह पाए। हमें बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर में लगा देना है ये। ये देखिए, ये लगाने के बाद में हमें क्या करना है, हमारी ये इसका रैपर को उतार लेना है इस प्रकार से। वाइट पेपर को हमें उतार लेना है ताकि हमारा जो सेकेंडरी इसका जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर हमारा ये चिपक सके। ये आपको ये वाइट पेपर उतार लेना है। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से उतारने के बाद में आपको अपना ये बैक पैनल भी इसके ऊपर लगा देना है और प्रॉपर वे में आपको ये फिट कर देना है ताकि किसी प्रकार की कोई भी लूजिंग हमें नहीं देखने को मिले। और ये सिम ट्रे भी आपको अपना इंसर्ट कर देना है इसके अंदर। और अब हम इसको स्विच ऑन करके चेक करते हैं। ये हमने स्विच ऑन किया और आप देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पर रियलमी का लोगो हमारा डिटेक्ट कर रहा है। और ये देखिए, हमारा डिवाइस ऑन हो चुका है। हम चेक करते हैं हमारा कॉम्बो वर्क कर रहा नहीं कर रहा। ये देखिए, हमने इसको अनलॉक किया। हम चेक करते हैं इसको। अब देखिए, ये देखिए हमारा प्रॉपर वे में हमारा वर्क कर रहा है। हम इसकी ब्राइटनेस चेक करते हैं। हमने इसकी ब्राइटनेस को इनक्रीज़ कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया हमने। ये देखिए, हमारा प्रॉपर वे में काम कर रहा है। मैसेज में चेक कर लेते हैं
कि हमारा सारा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है कीपैड। ये देखिए हमारा, ये आप देख पा रहे हैं जिस बटन को हम प्रेस कर रहे हैं वही हमारा बिल्कुल फिगर यहाँ पर बिल्कुल इंसर्ट हो रहा है। तो हमारा जो कॉम्बो है प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है। ये मेनू बटन और ये हमारा क्लोज बटन है, ये देखिए हमारा प्रॉपर वे में काम कर रहा है। हम आपको मॉडल चेक करा देते हैं कौन सा है। हम इसकी सेटिंग में जाते हैं, नीचे आते हैं, अबाउट फोन में आते हैं और आप देख पा रहे हैं ये हमारा मॉडल है रियलमी 2 प्रो। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने हमारे रियलमी 2 प्रो का कॉम्बो रिप्लेस किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, आपको ये अपना कॉम्बो फिक्स करने के बाद में रबड़ बैंड इसमें लगा देना है और रबड़ बैंड को आपको 2 से 3 घंटे आपको रखना है ताकि आपके जो कॉम्बो है वो बिल्कुल प्रॉपर वे में फिक्स हो सके और कहीं से भी आपको कोई भी लाइटिंग आपको देखने को ना मिले और आपका कॉम्बो बिल्कुल प्रॉपर वे में आपका सेट हो सके। तो आपको ये रबड़ बैंड लगाकर आपको कम से कम 2 से 3 घंटे आपको रखना है।